नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनुपाकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा पृथ्वीराज कपूर का है, लेकिन पृथ्वीराज कपूर का ये किस्सा नामी फिल्मकार वी शांताराम से किए गए वादे को लेकर है। इस किस्से का जिक्र वी शांताराम की बेटी मधुरा पंडित जसराज ने अपने पिता पर लिखी किताब वी शांताराम द मैन हु चेंज्ड इंडियन सिनेमा में किया है। ये बात साल 1950 की है। वी शांताराम द्वारा एक फिल्म बनाई जा रही थी और इस फिल्म का टाइटल था दहेज। अपनी इस फिल्म के लिए शांताराम एक ऐसे अभिनेता की तलाश में जुटे थे जिसको वो फिल्म का सबसे अहम किरदार दे सके। ये किरदार था लखनऊ के एक रईस आदमी का। शांताराम चाहते थे कि ये किरदार वो कलाकार करे जिस पर यह किरदार बिल्कुल फिट बैठे। कलाकार की तलाश के दौरान शांताराम के दिमाग में पृथ्वीराज कपूर का नाम आया। उन्होंने पृथ्वीराज कपूर से मुलाकात की। पृथ्वीराज कपूर से मिलने के बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि लखनऊ के रईस आदमी वाले किरदार के लिए वो उन्हें ही साइन करेंगे। पृथ्वीराज कपूर को भी फिल्म की कहानी और अपना किरदार पसंद आया। उन्होंने इसके लिए हामी भर दी और हालांकि शांताराम ने पृथ्वीराज कपूर को साइन करने से पहले उनके सामने एक शर्त रखी और शर्त यह थी कि जब तक फिल्म दहेज की शूटिंग खत्म नहीं होती वो किसी दूसरी फिल्म को साइन या उसमें काम नहीं करेंगे। पृथ्वीराज कपूर शांताराम के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित थे। उन्होंने बिना किसी देरी के शांताराम से दूसरी फिल्म में काम न करने का वादा कर डाला। उन्होंने शांताराम से कहा कि जब तक आप मुझे खुद नहीं कह देंगे कि आपकी फिल्म पूरी हो चुकी है तब तक मैं दूसरी किसी फिल्म में काम करूंगा ही नहीं। और इसके बाद शांताराम ने पृथ्वीराज कपूर के सामने उनकी फीस का जिक्र किया। उन्होंने पृथ्वीराज कपूर से कहा कि मैं आपको इस फिल्म के लिए केवल 10,000 रुपए दे सकता हूं। इस पर पृथ्वीराज कपूर ने उनसे कहा कि लेकिन मैं तो 75,000 रुपए देता हूं। अब शांताराम ने उनसे कहा, मेरी फिल्म का बजट बहुत कम है, फिल्म के बाकी कलाकारों से भी कम पैसों में काम करवा रहा हूं, इसलिए आपसे भी गुजारिश है कि आप भी इतनी ही रकम में मान जाएं। पृथ्वीराज कपूर ने शांताराम की बात मान ली, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने शांताराम से कहा कि अगर दहेज फिल्म चल जाती है तो आप मेरी नाटक कंपनी के लिए 10,000 रुपए और देंगे, जिससे कि मेरी नाटक कंपनी के कलाकारों को भी फायदा पहुंचे। शांताराम को ये बात जम गई और उन्होंने हाँ कह दिया। अब दहेज फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। पृथ्वीराज कपूर के लिए मायने रखती थी जुबान की अहमियत। इस बीच पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर ने फिल्म आवारा शुरू कर दी। राज कपूर को अपनी इस फिल्म में पिता के किरदार के लिए कलाकार की जरूरत थी। उन्हें सबसे पहले ध्यान अपने पिता पृथ्वीराज का आया। राज कपूर ने इसके लिए पिता से बात की। बेटे की बात सुनकर पृथ्वीराज कपूर ने उनसे कहा, मैंने वी शांताराम से वादा किया है कि जब तक उनकी फिल्म दहेज पूरी नहीं हो जाती वो खुद मुझे इस बात की सूचना नहीं दे देते तब तक मैं किसी दूसरी फिल्म में काम नहीं करूंगा। पृथ्वीराज कपूर के सामने भले ही उनका अपना बेटा राज कपूर था, लेकिन उन्होंने शांताराम से किया गया अपना वादा निभाते हुए फिल्म आवारा में काम करने से साफ मना कर दिया। और इस घटना ने यह साबित किया कि पृथ्वीराज कपूर उसूलों के कितने पक्के थे और उनके लिए किसी को दी गई जुबान की क्या अहमियत थी। क्या आज के जमाने में यह संभव है? सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।